तो अभी गाइस जिस जगह पे हम आके रुके ना भाई, ये चेक करो यार कितना प्यारा है भाई। नैनीताल से निकले बस 10-15 मिनट ही हुआ, ये देखो भाई ब्रेक्स चले गए भाई इसके। गाइस अल्मोड़ा जाते हुए रास्ते में वी गाइस फाउंड अ वाटरफॉल, हिडन वाटरफॉल बोलेंगे इसे, एंड लुक एट चेक दिस आउट। हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, और होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जिस चीज़ के लिए ना यार हम प्लान कर रहे थे ना 3 हफ्ते से जाने के लिए, मतलब वेट कर रहे थे, बारिश से रुक जा रहे थे, आज वो मतलब चीज़ें हो चुकी है फाइनल और पैकिंग वगैरह भी हो चुकी है, तो हर्ष और मैं निकल रहे हैं। बाकी वो जगह यहाँ से 400-500 किलोमीटर दूर है, तो हमें तीन दिन तो लगेंगे जाने में, और फुल एक्सप्लोर करते हुए फुल इन्जॉय करते हुए जाएंगे। तो इसके बाद से मेरे ब्लॉग्स वेंसडे फ्राइडे संडे को मतलब आते रहेंगे सुबह 11 बजे, तो उनको देखना बिल्कुल मत भूलना टाइम से, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना वीडियोज़ को मेरी। बाकी अभी रास्ते में पता चला है बारिश पड़ रही है नैनीताल साइड, तो कोई बात नहीं, फिर भी यार हम निकल रहे हैं। फुल पैकिंग वगैरह हमारी अच्छे से हो चुकी है, अच्छे से सब कपड़े वगैरह पैक कर लिए हमने। वैसे निकलना था हमें सुबह 6 बजे था, बट अभी 8:30-9 बज चुका है, तो अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए फटाफट से निकलते हैं यार यहाँ से, और मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगा नैनीताल के बाद से, बिकॉज नैनीताल दिखा दिखा के थक चुका हूँ यार, आप भी थक जाओगे मेरे ऐसे नैनीताल देखते देखते। तो मिलता हूँ आपसे थोड़ी सी देर में। तो यार गाइस अभी फिलहाल टाइम हो रहा है 11:30 और हम पहुँच गए नैनीताल, और कपड़ों की हालत देखो भाई, फिर भीग गए हम लोग। रास्ते में आते आते बारिश मिल गई थी, और अभी फिलहाल हम दोनों जा रहे हैं फटाफट से पहले चेंज कर लेते हैं यार, क्योंकि नहीं तो ठीक है कपड़े पहने रहे ना, अभी और जाना है 2-2.5 घंटे और ड्राइव करनी है, तो बुखार हो जाएगा बहुत गंदा वाला, तो यहाँ जाके पहले चेंज करते हैं। तो भाई अपना चेंज तो हम लोगों ने कर लिया है, और ये देखो भाई मैंने इतनी ऊपर आके अपनी बाइक खड़ी करी है, यहाँ पर कहाँ से आया हूँ पता है, नीचे से चल के वहाँ से दिखाता हूँ, वो देखो इतनी दूर से, बिकॉज यार पता है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है आज। ट्रैफिक क्या मतलब सब बाइकें वाइकें भरी पड़ी, बिकॉज यहाँ पे नंदा देवी का मेला लगा हुआ है इस वजह से। बाकी ज़्यादा देर यहाँ रुकेंगे नहीं, बिकॉज 12 बज चुका है, और अभी हम लोग निकल रहे हैं अल्मोड़ा। आज शायद अल्मोड़ा स्टे करें हम लोग, पक्का नहीं पता कि अल्मोड़ा ही रुक रहा है, अल्मोड़ा के थोड़ा सा ऊपर बात कर रखी है अच्छे रिजॉर्ट में जाने के लिए, तो देखते हैं बिना टाइम करे जल्दी से निकलते हैं अल्मोड़ा की ओर, और मिलता हूँ आपसे आगे रास्ते में। यार पता है अभी हमको नैनीताल से निकले बस 10-15 मिनट ही हुआ, और ये देखो भाई ब्रेक्स चले गए भाई इसके, पता नहीं यार क्या ऐसे ही करके दिया था भाई उन्होंने, आमा वालों ने, हमको समझ ही नहीं आ रहा भाई। और भाई बाकी बस वेट कर रहे हैं हम लोग कि यार कब जाके ब्रेक्स कूल डाउन हो जाएंगे, उसके आगे फिर हम निकले। और यार चेक करो भाई कैसा ठंडा सा हो रहा है भाई मौसम, बिल्कुल भाई पाला सा पड़ रहा है। दोबारा से हर्ष क्या हाल चाल, सजीर है जी। तो भाई अभी पता नहीं यार पहली बार ऐसा हुआ मेरी बाइक में कि हम लोग मतलब मैंने सर्विसिंग कराई और पहाड़ों पे लेकर आया और बाइक में ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बाकी देखते हैं यार अल्मोड़ा में जाके अगर हमें यामा मिलता है, यामा सर्विस सेंटर मिलता है, तो हम पक्का लेके जाएंगे भाई, आज या कल में बाइक लेके जाऊँगा, पहले ठीक करा लूँ इसको, नहीं तो अभी आज पहले ही दिन है ट्रिप का और ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो बहुत ऊपर जाना है पहाड़ पर यार, दिक्कत बहुत ज़्यादा पड़ सकती है हमें, तो बस अभी वेट करते हैं यार गाड़ी का, जैसी कूल डाउन होती है गाड़ी फिर निकलते हैं आगे भाई। तो भाई वो चेक करो सामने मौसम देखो यार, और अभी ब्रेक्स थोड़े से यार ठीक हुए हैं, बट मून तो यार ऑफ हो ही जाता है भाई, आज पहला दिन है मतलब ट्रिप का, पूरे 6-7 दिन की मेरी ट्रिप है यार। भाई अभी हम पहुँच चुके हैं कैची धाम मंदिर, अभी यहाँ से भाई क्या कर रहा है यार, ये देखो भाई सही सीन है यार। वैसे गाइस मैंने आप लोगों को अभी तक नहीं बताया था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मतलब मेन डेस्टिनेशन क्या है मेरी, तो मैं जा रहा हूँ मुंशियारी, जो मेरे घर से 400 किलोमीटर दूर है, तो एक दिन में मतलब हम नहीं हो पाता यार, 10:30-11:12 घंटे का राइड था, नहीं हो पाता और मज़ा भी नहीं आता उसमें कुछ, मतलब कंटेंट भी नहीं मिलता है यार, कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाता मैं, तो मैंने प्लान करा था कि 3 दिन में मतलब हम पहुँचेंगे रुकते रुकते आराम से चिल करते हुए, 2 दिन वहाँ रुकेंगे, सो वी आर गोइंग टू मुंशियारी, और लेट्स सी भाई। भाई साहब इतनी प्यारी धूप पड़ रही है ना आप, कसम से मज़ा ही आ रहा है कुछ और यार चलाने में, गाड़ी तब से ठंडा लग रहा था ना, अब जाके थोड़ा बॉडी को सुकून सा मिला है यार, लेट्स
wait here and take some shots. बाइक को भी यार थोड़ा आराम जरूरी है। तो अभी गाइस जिस जगह पे हम आके रुके ना भाई, ये चेक करो यार कितना प्यारा है भाई। अच्छा दिखाता हूँ, रुको ये देखो भाई कितना प्यारा पानी बहता हुआ आ रहा है भाई। सुकून सा हो रहा है, धूप भी निकल रही है, कितनी प्यारी धूप निकल रही है। अब नॉर्मल हो गया सब टेम्परेचर बॉडी का, गर्मी भी नहीं लग रही ज्यादा। और ये देखो, हाँ भाई ये तो गाइस अलग ही दुनिया में चल रखा भाई लड़का, कुछ भी कहो। मजा आ रहा है। चलो इतनी मतलब भीगने के बाद यार, धूप जो पड़ रही है धूप के बाद यार, ये जो पानी है बहुत साफ पानी है। कौन सा यला? आपके आपके घर से, आपके घर में जो टेंट प्योर क्या है, वो टेंट प्योरीफायर का जो आता है भाई, उससे भी साफ होता है पहाड़, उससे भी साफ पानी की सीधा पहाड़ों से आ रहे। पानी की दिक्कत है, समस्या अल्मोड़ा आई है, यहाँ से टंकी भर के लेके जाइए। तो अभी यार थोड़ी देर यहीं बैठेंगे, दो बज चुका है, भूख भी लग रही है बहुत गंदी वाली, बट थोड़ी देर पर बैठेंगे, देखते हैं मतलब फोटो वोटो खींचते हैं यार कुछ। अब आए तो फोटो खींचेंगे ना, मैं हमेशा कभी फोटो खींचता नहीं था यार, मैं हमेशा भूल जाता था यार फोटो खींचने के लिए, बट आज भाई अच्छे से ढेर सारी फोटोज वगैरह क्लिक करके फिर अभी आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ से आई गेस 45-50 मिनट्स का रास्ता बच रहा है हमारा, देखते हैं भाई कितनी देर लगती है, क्या सीन बैठता है। झोला मैन फिर से देख लो इसे भाई, भाई जन्नत पर नहीं पहुंच गया जन्नत भाई, कहीं जन्नत है ना तो कहाँ है, पहाड़ों में है ना। तो अभी मिलता हूँ यार तुमसे थोड़ी सी देर। भाई ये देखो यार कितनी प्यारी रोड, और भाई वो देखो सामने पहाड़ कितना प्यारा, साथ में बादल यार, कितना सही सीन है यार कसम से। ये चीजें सुकून दे जाती हैं, मतलब दिल को ना ऐसा चैन सा मिल जाता है ये सब देख के ना, मजा आ जाता है यार। ये देखो पहाड़ भाई, सीधे सीधे पहाड़, ओ भाई तगड़ा सीन है यार कसम से। वैसे पता है मैंने जो प्लान कर रखे थे ना, जो मेरा मतलब था कि मतलब जहाँ यहाँ ऐसे से जाना है, वो सब चेंज हो चुकी है प्लानिंग्स। अभी मेरे को लिटरली कुछ नहीं पता है मैं कहाँ जाऊँगा, कैसे रुकूँगा, किस किस जगहों पे रुकना है, हम लोगों को अच्छे से बिल्कुल नहीं पता है। और सिर्फ मुंशियारी का पता है, मुंशियारी में हमें क्या क्या दो तीन दिन रुक के क्या क्या एक्सप्लोर करना है, बट जो रास्ते का है ना मुझे कुछ नहीं पता है उसका। उस चीज़ की प्लानिंग बैठ के आज या कल में मेरे को करनी करनी है किसी भी हाल में, और देखते हैं भाई कैसी बैठती है हमारी वाली ट्रिप। पहली ट्रिप है मेरी जो मैं ऐसे मतलब कर रहा हूँ यार, मतलब इतनी लंबी ट्रिप ऐसी वाली अकेले, मतलब अकेले तो नहीं हर्ष के साथ ही हूँ, बट बाइक पे ऐसी वाली ट्रिप पहली है मेरी। बस यार अपना प्यार दिखाते रहो, दिखाते रहना आगे भी, सपोर्ट करते रहना, लाइक कर दिया करो वीडियो को। देखो मैं बार बार बोलता हूँ तुमको, सुन लिया करो यार। अभी रुको एक काम करो ना, सीधे सीधे एक काम करो, देखो अभी वीडियो देख ही रहो ना तुम, अगर बस कुछ नहीं होगा, हल्का सा वीडियो को वो मिनिमाइज करके जल्दी से लाइक कर दो, बस कुछ नहीं करना है पता है, बस हल्का सा एक लाइक करना है यार। जल्दी जाओ जल्दी करो, फिर कंटिन्यू करते हैं आगे वीडियो। गाइस अल्मोड़ा जाते हुए रास्ते में वी गाइस फाउंड अ वाटरफॉल, हिडन वाटरफॉल बोलेंगे इसे, एंड लुक एट चेक दिस आउट यार कितना प्यारा है भाई ये देखो। अभी नीचे चलते हैं यार, थोड़ी देर बैठेंगे यहाँ पे, कुछ थक गए हैं सुबह के निकले हुए हैं, कुछ खाने को हुआ तो कुछ खाएंगे बैठ के, और भाई रील्स बनाते हैं फोटो खींचते, ठीक है मजा आएगा, चलते हैं नीचे जल्दी से। चलो और लुक एट दिस यार, चेक दिस आउट भाई कितना बड़ा है भाई ये, खैर अभी होगा काफी ज्यादा यार भाई, सच में मजा ही आ गया यार यहाँ के। तो ये देखो भाई सबने कितना सही सीन हो रखा है यार, बेचारे थक गया लड़का सर, काफी ज्यादा थक चुका है, लेकिन लुक एट दिस भाई फिर से देखो यार तुम कितना बड़ा है भाई, वो बंदा कितना छोटा लग रहा है। अभी यहाँ से कम 15-20 किलोमीटर अभी बचा है हमारा अल्मोड़ा जाना,
लेकिन भाई यहाँ से इतनी जल्दी तो नहीं जाऊँगा, आधा एक घंटा आराम से बैठ के चिल करेंगे भाई, वीडियो वगैरह बनाएंगे, फोटोज वगैरह क्लिक करेंगे अच्छे से, फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक यार तुम व्यू चेक करो यार भाई, दिल जीत लिया कसम से यार इसने। यार ये बिल्कुल प्लान नहीं था, ये मुझे पता भी नहीं था, मैं रास्ते में जाते थे बस ऐसी हट को बोर्ड दिखा कि यार वो देख वाटरफॉल जैसे चलते हैं, इतना खराब रास्ता था फिर भी भाई हम आ गए कि देखते हैं भाई कैसा कैसा। नहीं वहाँ से ऊपर से दिख रहा था कि भाई छोटा सा है ये, बट यहाँ आके देखो तो भाई लग रहे हैं इसके सामने सच में, बढ़िया चीज़ है ये भाई, बढ़िया जगह है भाई। अभी तक का लास्ट टाइम भी वो वाटरफॉल दिखाया था वो बड़ा था बट इतना नहीं था, ये सबसे बड़ा वाटरफॉल अभी तक का। आने का मन कर रहा है यार, क्या करूँ ना, देखते हैं इससे पता करते हैं ठीक है। तो गाइज आज यहाँ पर आके अनएक्सपेक्टेड जगह थी बिल्कुल ये मेरे लिए, तो भाई बहुत ही मजा आ चुका है। और हाँ भाई क्या कितना और पाजी आज जगह नहीं 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 आराम से द बेस्ट प्लेस आई एवर विजिटेड, जस्ट लुक एट दिस प्लेस यार, मतलब भाई चीज है भाई ये सच में। और ये पता है मेरी लिस्ट में अब ऐड हो चुका है, कभी फुर्सत से आराम से आऊंगा भाई इस जगह को घूमने, नहा के जाऊंगा भाई मजे लेके। और अगर आप लोगों को यहाँ पर आने का मन है आप एक देख लो, अल्मोड़ा से सिर्फ 18 या 15 किलोमीटर दूर है, आपको रास्ता मिल जाएगा, आप यहाँ रुक भी सकते हो, बहुत अच्छा रुकने का लोकेशन भी है, रुक सकते हो आप। और सैम भाई आपको समर्पित। और इस व्लॉग को हम ही एंड करते हैं, इसका सेकंड पार्ट मैं ट्यूसडे को अपलोड करूंगा। और अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन मिलते हैं अगले व्लॉग में।